मैं ऑफिस में आया, मुझे टॉयलेट जाना था, टॉयलेट गंदी थी, तो मेरे लिए टॉयलेट जाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति टॉयलेट साफ करने आएगा? नहीं, अरे मेरी बात सुनिए, तो मैंने टॉयलेट साफ किया। अब इनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ये गंदे टॉयलेट में इनको जाना है कि स्वच्छ टॉयलेट में जाना है, ये तय किसको करना है? इनको तय करना है। अगर इनकी नैतिकता मर गई है, ये अपने नौनिहालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कर्तव्य इनका है। कुछ मायने नहीं चकर। और कार्रवाई की बात, जब मैं सरकार के हिस्से से बात करूंगा तो क्या कार्रवाई होगी वो शाम तक मालूम पड़ेगा। मोबाइल बज रहा है सर, मंत्री जी ये पानी नहीं है, सफाई कैसे होती है? डाल दिया जी, समझ नहीं तो आ रही। अब जो सुन रहा है वो तो लक्ष्य तो छटके आएगा ना जी, उसके बाद ही तो बात कर रहा हूँ। मानक है तो आप बताइए इनको, बीच की पार्टी पूरी ये है, मानक आपने पास किया है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस मानक मैं आपके पास आया है तो ये कैसे आएगा? सैंपल क्यों, किसने इसको पास किया है, उसके खिलाफ क्या एक्शन कर रहे हैं? अरे तो आता है तो मुझे तुम जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट तुम करोगे, जिम्मेदारी तुम्हारी जी सर। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? जो अमानक आया उसके ये तो आपने ये मानक कैसे रख लिया यहाँ? अगर अमानक है तो ये अभी आप दो बातें मत करो मेरे से। आपने कहा मानक, मैंने मानक मान लिया, आप जो कहो मानक तो मानक मान बोलो। इसका सैंपल जाता है उसके जो जो अंकुरण है 85% जो आता है उसके अनुसार रिजल्ट का कार्रवाई होती है। चार हुई है बीज, कितने किसानों का बीज जो है ना 85% 90% सही निकला है, उसकी कार्रवाई बता दी सर। मैं अब वापस बताता हूँ, अभी कल ही रिजल्ट आए, जो 15 जो है गेहूँ के रिजल्ट आए कल ही उन्होंने मार्क किया, पूरे मानक है जी। अभी भी मानक खड़ा हूँ तो मेरे मानक के चलो उसको मेरे सामने अभी इसको हिलवाओ जी, नहीं और ये अमानक हुए मैं तुम्हारे खिलाफ एफ आई आर कराऊंगा सर। नहीं सैंपल भेज दें सर, सैंपल नहीं भेज ना जी, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा यार जी, समझ में आ रही? इससे पहले इसकी चेकिंग होनी चाहिए, मुझे गलत मत समझाइए आप। बता दो।